हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस तरह के पिरामिड कार्ड डिजाइन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने पर सबसे पहले पेज के साइज को सेट करेंगे। तो इसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से साइज पे जाएंगे और यहाँ से मोर पेपर साइज पे। यहाँ पे तो हम इसके साइज को सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसके विड्थ को 3.5 और इसके हाइट को 2.5 कर लें। मार्जिन पे क्लिक करेंगे 0.2 लेफ्ट को भी 0.2 बॉटम को भी 0.2 और राइट सबको 0.2 कर लेने। उसके बाद ओके। अब इसके बाद से डिजाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम पेज का बॉर्डर सेट करेंगे। पेज के बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी आप पैविक सेलेक्ट कर लें। ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसको 5 PD कर लेंगे। इसे भी 5 PD कर लेंगे, बॉटम को भी 5 PD और ये राइट करने के बाद ओके। ऐसे आपका देखिए इस तरह का बॉर्डर सेट हो चुका है। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और सबसे ऊपर में इसे लाकर बीचों बीच से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम टाइप करेंगे सेलेक्ट कर इसे बोल्ड कर लेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इस पर क्लिक करके फॉर्मेट टैब में जाएंगे, सेव फिल नो फिल सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर इसे अपने अनुसार थोड़ा सा इधर उधर सेंटर में कर लें। फिर से इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ नीचे ड्रॉ कर दें। साइज को कम कर लेंगे और यहाँ पर करेंगे 2022-23 करके इसकी पढ़ा लें और इसको बोल्ड कर लेंगे। क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, सेव फिल नो फिल सेव आउटलाइन नो आउटलाइन से अपने अनुसार इसे फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल को, इस बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट से क्लिक करके यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे। होम पे जाएंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे
और यहाँ पर अपडेट लिखेंगे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, सेव फील्ड नो फील्ड सेव आउटलाइन को रहने देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसे ब्लैक कर देंगे, फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे होल्ड कर लेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ओवल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे ओवल शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे इस ओवल शेप में अपने स्क्रू का लोगो लगाएंगे, तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और सेव फिल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर और जहाँ भी आपने पिक्चर रखा है, लोगो रखा है, वहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने डेस्कटॉप पर रखा है, वहाँ से सिलेक्ट करें, इंसर्ट कर लेंगे। ये आपका लोगो इंसर्ट हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसकी मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, सेव टेक्स्ट बॉक्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, सिलेक्ट कर लेंगे, इसे बोल्ड कर लेंगे, फादर्स नेम, फादर नेम क्लास सेक्शन यहाँ पे हम जब भी एग्जाम से संबंधित इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके मार्जिन को कम कर देंगे। इसको कम कर लेंगे और यहाँ से इसकी लाइन को यहाँ पे लाएंगे बुलेट, यहाँ पे ये यहाँ से इसकी इधर को लेंगे और यहाँ इंस्ट्रक्शन डोंट डोंट एग्जाम एग्जाम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, सेव फील नो फील सेव आउटलाइन नो, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, सेप लेंगे और इस बार से ये रेक्टेंगल सेप ले लेंगे,
क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब, सेव फील्ड में हाइड कर लेंगे, सेव हो गए को ऐसे ही रहने। इंसर्ट टाइप में जाएंगे, सेव टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट के साइज को कम कर लेंगे, क्लास टीचर साइज को थोड़ा सा और कम करके इसे बोल्ड कर लेंगे। क्लिक करके कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करके कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इसे उठाकर ट्रांसफर। फिर क्लिक करेंगे सेव फील्ड, नो फील्ड, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन, फिर क्लिक करेंगे सेव फील्ड, नो फील्ड, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर में ये क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन प्रेस करके और इसे खींच के यहाँ पे लगे से छोड़ देंगे। एडमिट कार्ड तैयार हो गया है, अब हम इसको कलर करेंगे। इसको कलर करने के लिए डिजाइन टैब पे जाएंगे, पेज कलर, और यहाँ से आप अपने अनुसार, आप अपने पसंद के अनुसार जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, आप अपनी पसंद के अनुसार, आप अपने अनुसार जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एडमिट कार्ड बनकर तैयार हो गया है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।